स्टार बनो। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सोच तो तय हो गया, मैं जल्द से जल्द एक फोटो शूट रखूंगी। लेना, हैप्पी बर्थडे। हाय, आपसे फिर। ओह, तुम वो बकली। तो, हम आधे मेहमानों से मिल चुके हैं, तुम्हारा तो जवाब। हाँ, बढ़िया है। वैसे डैड की कोई खबर? वो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं ठीक हमारी तरह, तो जल्दी से अपनी उदासी को भूल जाओ और मुस्कुरा दो। ठीक है दिन, अब तेरी बारी। समझ गई, मुस्कुराते रहो। शुरू करती हूँ। हाय लीना, हैप्पी बर्थडे। हाय, कितने दिन हो गए तुमसे मिले। सही कहा, दिन तो काफी हो गए हैं। तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। ओह अच्छा, तुम्हारा भी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ शायद। हाय, कितने दिनों बाद मिले हैं ना। हम तो पहली बार मिल रहे हैं। हाय, तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कैसी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे पहचाना तक नहीं। बढ़िया, तुम्हारा दिल टूटा तो यहाँ का काम खत्म है ना। इसी खुशी में एक और ड्रिंक पीऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए। अब मैं बर्थडे गर्ल और उसके डैड को डांस फ्लोर पे बुलाना चाहता हूँ। लो, वो आ गई। और अब डैड की बारी है। मिस्टर वैंग, स्टेज पर आइए। आ जाइए डैड। हाँ मिस्टर वैंग, शर्माइए मत। मिस्टर वैंग, जल्दी आइए। वो किसी भी समय आते ही होंगे। मिस्टर वैंग, सुनो भाई, मैं सही नाम तो ले रहा हूँ ना? जो अपनी बेटी के बर्थडे पे ही ना आ सका, वो डैड किस काम का? सही कहा यार। चलो असिस्टेंट, हमें कुछ करना होगा। ओह माफ करना दोस्तों, शायद मेरा माइक ऑन था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूँ इस तरफ, क्योंकि अब वक्त आ गया है आज के खास मनोरंजन का। हे लॉन्ग, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा धुआं और रोशनी बनाओ। हम शाओलिन से लाए हैं एक ऐसा कुंग फू जो आपने कभी नहीं देखा, तो पेश है ग्रेट मास्टर जिसने सब कुछ सीखा है।